गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है टोकन्स। लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। अगला जो हमारा पार्ट है आज का वीडियो का, उसमें हम पढ़ेंगे टोकन्स के बारे में। तो टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन्स, यानी जो प्रोग्राम में उपयोग में ली जाने वाली छोटी सी छोटी यूनिट यानी छोटी छोटी इकाई जिसका यूज करके प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं हम, उसे टोकन कहते हैं। C++ हैज द 5 टोकन्स, 5 प्रकार के टोकन्स है C++ में। सबसे पहले आते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड, ईच कीवर्ड हैव ए स्पेशल मीनिंग दैट नेवर चेंज। यानी कीवर्ड वह सुरक्षित शब्द होते हैं, वह रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका कोई ना कोई पर्टिकुलर मीनिंग होता है, कोई ना कोई पर्टिकुलर अर्थ होता है और हम उसे बदल नहीं सकते। यानी हर कीवर्ड वो कोई ना कोई एक निश्चित कार्य को पूरा करता है। कीवर्ड कैन नॉट यूज एज ए आइडेंटिफायर, आप कीवर्ड्स को एज ए आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। ऑल द कीवर्ड्स राइट इन स्मॉल केस, सारे के सारे कीवर्ड वो हमेशा लोअर लेटर में होंगे यानी छोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे, बड़े अक्षरों में नहीं हो सकते। देयर आर 48 कीवर्ड्स इन C++। C++ के अंदर 48 कीवर्ड्स है जो यहाँ पे एक टेबल के थ्रू आपके सामने शो किए गए हैं, जिसमें इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, साइन, अनसाइन, लॉन्ग, शॉर्ट, ASM, नेम स्पेस, इनलाइन स्ट्रक्चर, इफ, एल्स, स्विच केस, डिफॉल्ट, ब्रेक, गो टू, कंटिन्यू, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर, रिटर्न, ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्नल, रजिस्टर, ऑपरेटर, क्लास, वॉइड, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ट्राई, केस, थ्रो, यूनियन, फ्रेंड, वर्चुअल, टेम्पलेट, न्यू, इनम, वॉलेटाइल, टाइपडेफ, साइजेफ, फ्लॉट, डिलीट और काउंट, सॉरी कॉन्स्टेंट। कुल मिला के ये 48 कीवर्ड्स आपके इसमें दिए हुए C++ लैंग्वेज में। अगला जो हमारा टोकन है वो है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर नेम होता है। जब भी कोई प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं तो उसमें हम वेरिएबल बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, एरे बनाते हैं, तो उनका जो नाम होता है वो हमें यूजर को देना पड़ता है। वो नाम यूजर अपने मन से कुछ भी डिफाइन कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर रेफर्स टू द नेम ऑफ द फंक्शन, वेरिएबल एंड एरे एंड द क्लास एक्सेट्रा। यानी आइडेंटिफायर है वो रेफर कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शन के नाम को, वेरिएबल को और एरे या कोई क्लास जो भी हम डिक्लेयर करते हैं उसका नाम जो यूजर देगा, अपने मन से कुछ भी दे सकता है, वो चीज क्या कहलाती है? आपकी आइडेंटिफायर कहलाती है। इट डिफाइन मे बी द प्रोग्रामर, प्रोग्रामर के थ्रू ही डिफाइन किया जाएगा, जो बंदा प्रोग्राम कर बना रहा है वही इसको डिफाइन करेगा। कीवर्ड्स है वो कैन नॉट यूज एज आइडेंटिफायर, जैसा यहाँ पर भी बता चुके हैं हम पहले, कीवर्ड्स में भी पढ़ चुके हैं कि कीवर्ड्स है उनको हम आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट फिक्स्ड वैल्यू होती है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। तो कॉन्स्टेंट आर ऑल्सो नोन एज ए लिटरल, कॉन्स्टेंट को हम लिटरल भी बोल सकते हैं। लिटरल जैसे अल्फाबेट है अपने A to Z, कैपिटल या स्मॉल लेटर्स हैं, इसके अलावा जो आपके स्पेशल सिंबल्स हैं या डिजिट्स हैं, ये सब चीजें क्या है? कॉन्स्टेंट या जो लिटरल है वो होते हैं ये, क्योंकि ये प्रोग्राम के दौरान ये चेंज नहीं होते और इनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। तो कॉन्स्टेंट आर द फिक्स्ड वैल्यू दैट नेवर चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस समय कॉन्स्टेंट जो होते हैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। C++ सपोर्ट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट। C++ में 5 तरह के कॉन्स्टेंट है, 5 टाइप्स हैं। सबसे पहला इंटीजर, इंटीजर कॉन्स्टेंट विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू जिसमें पॉइंट नहीं होते। फ्लोट कॉन्स्टेंट वो हो गया जिसमें पॉइंटों वाली वैल्यू यानी रियल नंबर होता है। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट यानी सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर। और अगला है फोर्थ नंबर का है वो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। स्ट्रिंग मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, जिसमें हम सेकंड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो वो कॉन्स्टेंट वैल्यू वो होगी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होगी, हमेशा फिक्स रहती है, वो आपका क्या कहलाता है? कॉन्स्टेंट कहलाता है। अगला जो हमारा इसमें पॉइंट है वो है डाटा टाइप्स। द डाटा टाइप मीन्स टाइप ऑफ वैल्यू विच एक्सेप्ट एज ए इनपुट एंड प्रोसेस्ड बाई C++। डाटा टाइप क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी, कि वो वैल्यू, डाटा टाइप क्या होता है? वो वैल्यू होती है, उस टाइप की वैल्यू होती है जो आपका C++ का प्रोग्राम है उस वैल्यू को एज ए इनपुट लेता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है और प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट जनरेट करता है। तो जैसे हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो हम उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू हम इनपुट देंगे और कुछ ना कुछ हमें क्या चाहिए? आउटपुट चाहिए।
तो वो जो वैल्यू हम कंप्यूटर में इनपुट देंगे वो वैल्यू किस टाइप की होगी, वो चीज डाटा टाइप के थ्रू डिफाइन की जाती है। यहाँ पे C++ में डाटा टाइप की तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है डाटा टाइप्स को। सबसे पहले बेसिक डाटा टाइप, अगला यूजर डिफाइंड डाटा टाइप और थर्ड है डिराइव्ड डाटा टाइप। बेसिक डाटा टाइप वो होते हैं जो जिनको हम प्राइमरी डाटा टाइप या फंडामेंटल डाटा टाइप भी बोलते हैं। ये डाटा टाइप आपको लैंग्वेज प्रोवाइड करवाती है, लैंग्वेज में ऑलरेडी होते हैं, पहले से मौजूद होते हैं, वो आपके बेसिक या प्राइमरी डाटा टाइप या फंडामेंटल डाटा टाइप कहलाते हैं, जिनमें इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और वॉइड, यहाँ पे ये आपके पांच प्रकार के ये बेसिक डाटा टाइप्स दिए हुए हैं। इंटीजर डाटा टाइप वो होगा जो विदाउट पॉइंटों वाली वैल्यू स्टोर करेगा, इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। कैरेक्टर होगा वो अल्फाबेट को स्टोर करेगा, सिंगल लेटर को स्टोर कर लेगा। फ्लोट है उसमें पॉइंट्स वाली वैल्यू आ सकती है, ठीक है, पॉइंट के बाद इसमें 6 डिजिट तक रिप्रेजेंट किया जाता है। डबल है इसमें भी पॉइंट्स वाली वैल्यू आ सकती है। और वॉइड इंटीजर है मेमोरी में 2 बाइट लेगा, कैरेक्टर है वो मेमोरी में 1 बाइट लेगा, फ्लोट है वो मेमोरी में 4 बाइट स्पेस लेगा और डबल है वो आपका मेमोरी में 8 बाइट स्पेस लेगा और वॉइड है वो नल यानी कुछ भी स्पेस नहीं लेगा। यहाँ पे एक टेबल आपके सामने शो की जा रही है, इस टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के डाटा टाइप और उनकी जो मेमोरी साइज है वो बताई गई है। तो आप इसे देखिए और अपनी कॉपी में भी आप इसे नोट करिए। उसके बाद हमारा अगला जो डाटा टाइप आता है वो होता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड नाम से ही पता चलता है, यूजर यानी जो प्रोग्रामर, जो यूजर वह है जो प्रोग्राम क्रिएट कर रहा है, ऐसा डाटा टाइप जो आपको लैंग्वेज प्रोवाइड नहीं करवाएगी, वो डाटा टाइप जो यूजर को खुद को क्रिएट करना पड़ेगा उसे हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कहते हैं। देखो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में सबसे पहला जो डाटा टाइप आता है वो आता है स्ट्रक्चर। इट इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, स्ट्रक्चर है वो एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर है वो कई तरह के वेरिएबल्स का कलेक्शन है, एक तरह के वेरिएबल नहीं कई तरह के अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन। वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स जिनके अलग अलग डाटा टाइप हैं, अलग अलग प्रकार के वेरिएबल हैं, सारे ऐसे नहीं है कि इंटीजर ही है। स्ट्रक्चर में अलग अलग डाटा टाइप के वेरिएबल्स को कंबाइन किया जाता है। गिव ए सिंगल नेम, और जो अलग अलग डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो उनको एक सिंगल नेम दे दिया जाएगा। स्ट्रक्चर कंटेन्स मेंबर वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर है वो स्टोर करता है, स्ट्रक्चर है वो मेमोरी में आपके मेंबर वेरिएबल को स्टोर करता है। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट ऑल द मेंबर्स वेरिएबल्स आर पब्लिक, स्ट्रक्चर के अंदर जो भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं या स्ट्रक्चर के अंदर हम जो वेरिएबल बनाते हैं वो सारे के सारे मेंबर बाय डिफॉल्ट आपके पब्लिक होते हैं, जबकि क्लास के अंदर वो सारे वेरिएबल क्या होते हैं प्राइवेट होते हैं। द साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल टू टोटल साइज ऑफ मेंबर वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर की जो मेमोरी साइज है वो स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी हमने मेंबर वेरिएबल बना रखे हैं उन सभी मेंबर वेरिएबल की जो मेमोरी साइज है उनका योग यानी उनका टोटल करना है उसके इक्वल होगी स्ट्रक्चर की साइज। यहां पे देखिए आगे इक्वल टू मेमोरी साइज वेरिएबल, स्ट्रक्चर मेंबर्स वेरिएबल आर एक्सेस्ड बाय डॉट ऑपरेटर, स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल को हम डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करते हैं। ये डॉट ऑपरेटर का यूज तब होगा जब हम स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल को स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल से यदि एक्सेस करते हैं, यानी स्ट्रक्चर हमने बनाया उस स्ट्रक्चर का हम एक मेंबर उसका एक वेरिएबल बनाएंगे, मेंबर वेरिएबल नहीं सिर्फ वेरिएबल मेन प्रोग्राम के अंदर। अब उस वेरिएबल के थ्रू हम उस स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं देन डॉट का यूज करेंगे, और यदि पॉइंटर के थ्रू करेंगे तो डॉट की जगह एरो का सिंबल आएगा। यहां सिंटेक्स दिया हुआ है स्ट्रक्चर डिफाइन करने का, सिंटेक्स यह सबसे पहले आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड काम में लेना है। स्ट्रक्ट कीवर्ड काम में लेने के बाद स्ट्रक्चर का नेम, यहां आप स्ट्रक्चर का नेम डिफाइन कर देंगे, कोई कुछ भी नाम आप अपने मन से दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर डाटा टाइप और वेरिएबल नेम, वो सभी डाटा टाइप आप इसमें अलग अलग डाटा टाइप डिफाइन कर दोगे जो सारे वेरिएबल डाटा टाइप आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर शामिल करने, और आपको इस ब्रैकेट को बंद करना है, और ब्रैकेट बंद करने के बाद यहाँ पे आपको इसमें सेमीकोलन लगाना है। ये स्ट्रक्चर का बेसिक सिंटेक्स है, यहाँ इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं हम स्ट्रक्चर स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट नाम का हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं जिसमें इंटीजर में रोल नंबर और फीस, यानी इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल है रोल नंबर और फीस,
कैरेक्टर में एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है नेम, जिसकी साइज दे दी 20 साइज का एरे है, इसमें कोई भी स्टूडेंट का नाम आ जाएगा जिसमें नाम में 20 लेटर्स होंगे। कैरेक्टर में सिटी आ जाएगी जिसमें 20 लेटर्स की सिटी स्टोर हो जाएगी, और फ्लोट में हाइट यानी स्टूडेंट की हाइट क्या वो स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो एक स्ट्रक्चर बना है स्टूडेंट, इसने कई अलग अलग डाटा टाइप के वेरिएबल्स को क्या किया, कंबाइन किया। अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर ने मेमोरी भी कितनी साइज ली। तो यहाँ साइज के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर की जो साइज होती है वो सभी मेंबर वेरिएबल की साइज के प्लस के बराबर होती है, यानी योग के बराबर होती है। यहाँ जो रोल नंबर है, रोल नंबर इंटीजर टाइप का है तो इसने 2 बाइट लिया, फिर फीस है उसने भी 2 बाइट लिया, तो इन दोनों ने मिला के यहाँ पे 4 बाइट तो इन्होंने लिया। फिर नेम नाम का एरे कैरेक्टर टाइप का है, कैरेक्टर वैसे 1 बाइट लेता है बट यहाँ 20 साइज का एरे, तो 20 इसके हो गए, 20 इसके हो गए और 8 ये हो गए और 4 बाइट इसके हो गए। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ 20 20 ये हो गए 40 और ये 44 और ये 48। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसने मेमोरी में कुल मिला के 48 बाइट मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई किया है। इसके बाद अगला हमारा जो है वो है यूनियन स्ट्रक्चर, और यूनियन बोथ आर सेम बट जो मेजर डिफरेंस है वो इसमें साइज का है, दोनों एक ही चीज है, बस जहां हम स्ट्रक्ट वर्ड लगाते हैं वहां हम यूनियन वर्ड लगाएंगे और सब कुछ सेम है बिल्कुल थ्योरी, बट जो डिफरेंस है वो साइज का ही है। क्योंकि जैसे स्ट्रक्चर में सभी मेंबर वेरिएबल की साइज का योग हुआ, बट यूनियन क्या करेगा, यूनियन साइज इज इक्वल टू हाइएस्ट वेरिएबल साइज, यानी जो वेरिएबल मेमोरी में सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वही उस यूनियन की साइज हो जाती है, वो सभी की साइज का योग नहीं करता है। अगला जो हमारा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में तीसरा है वो एनम, जिसको हम न्यूमरेटेड डाटा टाइप भी बोलते हैं। C++ हैज ए मेथड ऑफ गिविंग नेम टू सम इंटीजर कॉन्स्टेंट, यानी C++ लैंग्वेज के अंदर ये फैसिलिटी है कि आप कुछ इंटीजर कॉन्स्टेंट को आप कुछ नाम दे सकते हो, एंड देन एक्सेसिंग यूजिंग देयर नेम, और आप उस इंटीजर कॉन्स्टेंट को फिर डायरेक्ट वैल्यू न लिखकर आप उसको उसके नेम से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। इन्यूमरेटेड इज ए लिस्ट ऑफ कलेक्टेड डाटा एंड डिफाइंड बाय द यूजर, ये जो है ये यूजर ही डिफाइन करता है। एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे इनम मैंने एक कलर नाम का डाटा टाइप बनाया इनम टाइप का, जिसमें रेड ग्रीन येलो, अब बाय डिफॉल्ट जो रेड है वो 0 लेगा, ग्रीन की वैल्यू 1 है और येलो की वैल्यू 2 है। अब आप जहां जहां येलो यू टाइप करोगे प्रोग्राम के अंदर तो वहां मतलब आपने इंटीजर की जो ये 2 को यूज कर रहे हो, 1 टाइप करोगे तो ये सॉरी ग्रीन टाइप करोगे तो 1 को यूज कर रहे हो, और यदि जहां पे आपने रेड टाइप किया तो वहां वो 0 है। अब आप चाहे 0 लिखो चाहे रेड लिखो, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीजर ये कॉन्स्टेंट दिया हुआ उस इंटीजर कॉन्स्टेंट को हमने एक नेम दे दिया रेड, यहाँ पे इसको ग्रीन यहाँ पे येलो, आप ये वैल्यू अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, यहाँ आप इक्वल का साइन लगा के वैल्यू डिफाइन कर सकते हो अलग अलग, तो उस तरह से भी आपका काम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो हमने आज पढ़ा है, टोकन्स है कीवर्ड्स है, आइडेंटिफायर है, कॉन्स्टेंट है, उसके बाद डाटा टाइप्स के बारे में हमने स्टडी की। डाटा टाइप्स में मैंने 3 कैटेगरी आपको डिफाइन की हुई कर बताई है, बेसिक, यूजर डिफाइन और डिराइव डाटा टाइप। उसके बाद में हमने बेसिक डाटा टाइप की एक टेबल हमने देखी, फिर हमने यूजर डिफाइन डाटा टाइप के बारे में पढ़ा, उसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर, यूनियन और एनम, और वो जो क्लास होती है वो भी एक यूजर डिफाइन डाटा टाइप ही होती है। इसके बाद डिराइव डाटा टाइप के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, फिर भी यदि कोई क्यूरी है कुछ समझ में नहीं आ रहा आपके तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।